तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस मेरा नाम है सोनू एंड आप देख रहे हैं मोबाइल का टैग। गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग जो अपने स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप लोग लॉक करते हो इसको, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आप लोग अनलॉक करते हो तो यहाँ पर आप लोग को कोई पासवर्ड नहीं देना पड़ता, सिंपली अनलॉक हो जाता है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप लोग को कोई सा भी लॉक कैसे सेट करना है, जैसे कि आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके ऊपर आप लोग को कैसे कोई सा लॉक सेट करना है, जैसे कि पैटर्न लॉक होता है या फिर नंबर वाला। तो गाइस आज मैं आप लोग को यही चीज़ बताऊंगा पूरा फुल डिटेल में कि कैसे आप लोग को कोई सा भी लॉक सेट करना है अपने स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए गाइस बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग जो ना स्क्रीन के ऊपर कोई सा भी लॉक सेट करना है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैं इसको अनलॉक करूँगा तो कोई सा भी लॉक नहीं देना पड़ेगा, आसानी से सिंपली खुल जाता है, ठीक ना। तो अगर आप लोग को स्क्रीन के ऊपर लॉक लगाना है तो आप लोग को फोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा। देख पा रहे हैं यहाँ से भी आप लोग सेटिंग में जा सकते हो, ठीक ना। अगर आप लोग को यहाँ से नहीं जाना तो आप लोग सेटिंग खोज के कुछ इस प्रकार से होता है, सेटिंग का लोगो आप लोग को खोज लेना एंड आप लोग को सिंपली इस वाले पर क्लिक कर देना सेटिंग ऊपर। गए जैसे सेटिंग पर क्लिक कर दो तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग दिख जाता है एंड आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड एंड सेक्रेटरी का, ठीक है ना। तो सिंपली ये वाला ऑप्शन खोज लेना, उसका सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग को देख पा रहे कुछ अलग अलग प्रकार के लॉक दिखेगा, जैसे कि पहला वाला में स्क्रीन लॉक जो कि ऑफ है, ठीक ना, यही ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट अगर आप लोग लगाना तो ये भी देख पा रहे ऑफ है अगर आप में ऑप्शन होगा तो। उसके बाद फेस लॉक वाला सिस्टम ये भी ऑफ है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी लॉक लगाना है यहीं से आप लोग लगा सकते हो। जैसे कि स्क्रीन लॉक लगाना है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्क्रीन लॉक के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे पैटर्न वाला, पिन वाला, उसके बाद पासवर्ड वाला, है ना। आप लोग को जो सा भी लॉक लगाना है जैसे कि नंबर वाला लगाना है तो सिंपली यहाँ पर पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर पैटर्न लगाना है तो पैटर्न वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे पिन वाला लगाना है आप लोग को मान लीजिए तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, पिन पर क्लिक कर देना। अगर पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। अगर पैटर्न लगाना है तो पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आप लोग को पिन लगाना है, ठीक है, कोई नंबर वाला, तो यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर दो तीन सेकंड का वेट करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर वेट कीजिएगा, उसका यहाँ पर गॉट इट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे 416 डिजिट का, यानी कि 416 अंक का आप लोग पासवर्ड यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड दे देना, लग जाएगा। अगर आप लोग को मान लो पैटर्न लगाना है, जैसे पैटर्न पर क्लिक, यहाँ भी दो तीन सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद गॉट इट का ऑप्शन आ जाता है, सिंपली गॉट इट पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप लोग गॉट इट पर क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर बोलेगा सेट पैटर्न, यानी कि आप लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके पैटर्न बना लेना, ठीक है। चार डिजिट का कम से कम, चार डॉट का, ठीक है, चार डॉट टच होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद आप लोग पैटर्न बना सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे एक पैटर्न बनाना है कुछ इस प्रकार से, आप लोग जैसा भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो, ठीक है ना। देख पा रहे यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से टू जैसा बना लिया हूँ दो के तरह। उसके बाद फिर से आप लोग को दे देना कन्फर्म होने के लिए, दो बार देना सेम। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कन्फर्म वाला ऑप्शन देखेगा आप लोग को, कन्फर्म पर क्लिक कर देना। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग को पूछेगा ऐड फिंगरप्रिंट, अगर आप लोग फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा। आप लोग यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप लोग फिंगरप्रिंट को बार बार टच करोगे तो फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में साइड में हो सकता है फिर स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग को स्क्रीन ऊपर देना, अगर साइड में होगा तो साइड में बार बार आप लोग को टच करना और उसके बाद आप लोग का फिंगरप्रिंट लॉक भी सेट हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देख पर स्क्रीन लॉक अब ये ऑफ था तो ऑन हो गया, ठीक है। तो सिंपली मैं बैक करता हूँ, अब जो स्क्रीन लॉक लग चुका है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मैं लॉक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अनलॉक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करता हूँ, देख पा रहे हैं पर मैंने पैटर्न लॉक लगाया तो पैटर्न लॉक मांग रहा है। तो सिंपली मैं वही वाला सेम पैटर्न दे दूंगा दो तरह जो बनाया था, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर अनलॉक हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल में लॉक लगा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।